तूने अभी तक ऑन ही नहीं करी थी डायलॉग ऑन ही थी। दिस इज मी शिवानी आटो, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। और आज मेरे को कटवाने अद्विक के बाल, तो अभी अद्विक स्कूल से आ जाए तो अद्विक के जाते हैं बाल कटवाने, तो मिलते हैं अद्विक के बाल कटाते हुए। अद्विक के बाल कटाने के देखो, अद्विक बाल कटा रहा है, ये अन्नू फोन चला रही है, अपने छुट्टी में देख रही है, एक्सेप्ट नहीं करेगी, इसलिए कोई फायदा नहीं है। प्राइवेट अकाउंट है और वो भैया अद्विक की कटिंग देख रहे हैं, हेयर स्टाइल क्या बनाना है। मैंने बहुत कंफ्यूज कर दिया है, वैसा दिखा दिया और ये हूँ मैं, मेरी शक्ल ही नहीं आ रही पाए गा। तूने अभी तक ऑन ही नहीं करी थी डायलॉग, ऑन ही थी। उधर देखो, उधर देखो, जिसको भैया कह रहे हैं सामने देखो, देखो तो सामने कैसा लग रहा है। बस अद्विक के बाल कट गए, अब ऐसा लग रहा है अद्विक क्या। अब ये लोग मेरे की दुकान कोई चलाते थे इस टाइम पे, किसकी किसकी भैया जी। अद्विक के से मासूम से बैठा हुआ है, बड़ा ये दीक्षा बैठी है, कैसा लग रहा है? जैसे पहली बार लड़के के बाल कटे हुए, हमारे बाल कटे हैं। इन सबको ट्रेनिंग हो रही है क्योंकि मेरी भैया की शादी हुई है, इनके भाई की अब नहीं काटने। अरे अभी वो अच्छे तो कर देंगे बाल, ये देखो रो रहा है, मुझे लग रहा है वापस आ गया। आ गए चलो उधर, हमारी स्कूटी का खड़ी है। किसने हमें इतना तंग किया है बाल कटवाने में, इतना तंग किया है कि यार ये बहुत रोया है। क्यों रोए आप? अब इसके अद्विक रोए क्यों? बुरे से बाल हमारे डर लग रहा था इसको। ये अद्विक, ये अन्ना, गोरी दीक्षा, आप लोग जा रहे हैं। हेयर कटिंग हो चुकी है अद्विक की, वाली हेयर कटिंग हुई है क्या? ये देखो दोनों चलते हुए बात कर रहे हैं, ये इन बालों के उनका नाम भी भूल गए, ये याद कर रही है मनोज भैया, मनोज भैया। चलो ये अद्विक लो जा रहे हैं यहाँ पे कटिंग। हमारे रुद्रपुर में और कोई ढंग की जगह है नहीं ड्रिंक में, इसलिए हम लोग यहीं आते, लोगों लगता है यहीं आते हैं। और अन्नू की फेवरेट जगह भी यही है, हमने स्पॉन्सर कर लिया, स्पॉन्सरशिप ले ली। हाँ यहाँ की बैठ जा, हमें कोई फ्री नहीं मिलता, सबके पैसे लेते हैं बराबर हमारे। अरे जितने यहाँ की लोकेशन चेंज हो गई, अंदर हो गए ये यहाँ से पहले बाहर और यहाँ पे आवाज़ निकाल तो रही है, और कैसे आवाज़ निकालें किसी भी में बोल। ये देखो अद्विक आपको क्या लेना है, कौन सी ड्रिंक लेनी है? एक हाँ ये देख लो, पानी पी रहा आराम से, फेंकना नहीं पानी, मेरे को देना ग्लास, ठीक है? फेंकते नहीं है, पी लिया और पीना है। ये लड़की ने ऑलरेडी कहीं दे दी है। किसकी? एक मेरे से आप आ गए, हमने सिल्क वाला कौन सा है? हमने कोल्ड कॉफी बोली है तेल ली दीक्षा, तूने बोल दी थी। हाँ तुम लोगों ने भी तीन बोल दिए। चॉकलेट और कोल्ड कॉफी। अद्विक दिखाओ हमने बाल, ये अद्विक ने मेरी कोल्ड कॉफी छीन ली। अरे बहुत महंगी हेयर स्टाइल है, शिवानी का लेंस लग रहा है और इसकी इतनी ज्यादा बहुत ज्यादा। भैया रुक जा, करवाना तूने लगवा लिया अंधी है, बिना चश्मे के लेंस बनवा रही है, पक्का कुछ नहीं होगा। हाँ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा,
मेरी आंख को छू। आंख बड़ी करो। अबे चुप ना, रिलैक्स हो। आंख बड़ी करो। अरे आंख तो छोटी कर रही हो, जानबूझ के बड़ी करो। बड़ी कर, बड़ी छोटी मत कर। आंख बड़ी करो, आंख बड़ी करो। कुछ ठंडा तो मैसेज करो। आंख बड़ी करो, आंख बड़ी करो, बड़ी कर। घर पे अपने घर पे नहीं, मैं बुआ घर पे, जहाँ पे शादी है। जो शादी का सामान, इसे क्या कहते हैं, जो इधर मंडप गड़ेगा, मतलब यहाँ पे पूजा हुई आज, और अभी शादी के चार तीन दिन है अभी शादी के, तो तीन दिन बाद हम शादी होगी। और इस कमरे में दुल्हन, मैं अभी दुल्हन की शक्ल नहीं दिखाऊँ क्योंकि वो ऐसी बैठी हुई है, क्योंकि आज हल्दी वल्दी लगी थी। हमारे में पाँच दिन तक लगती है, नहीं चार, हम पाँच बार लगती, पर अभी तीन दिन शादी के बाकी हैं, इसलिए तब मैं अपने घर पे पूरा दिन बहुत थका भरा रहा। मैंने बहुत सारी चीज़ें ब्लॉग में नहीं ली हैं, एंड अब मैं अपने रूम में, और ये रूड लड़की, पता होगा आप लोगों को, रूड टाइप की, ए हंस ले, ऐसे सब बोलेंगे तेरी मैंने बहुत रूड है, ए ये ना अंगूठा पीती है, अभी अंगूठा पी रही थी, पर इसने जैसे जैसे पता चला कि मेरा ब्लॉग बनने वाला है, इसने अंगूठा निकाल दिया है। स्मेल कर रही है, बताएगी नहीं। पर एक लड़की बैठी, पर इन सबको पता नहीं क्या फोबिया ब्लॉग में आने का, मतलब ऐसे डरते पता नहीं कि इन्हें कहीं फांसी पे चढ़ाते जाएगा, क्या होएगा, मतलब मेरे पास वर्ड नहीं है। इन लोगों को पता नहीं, देखो क्या हो जाते थे पागल हो, मुझे वाली क्या हो गया, मैम क्या हो गया, कुछ नहीं हो गया इन्हें, क्योंकि अभी मेकअप वेकअप है नहीं, बाल से जाने नहीं, अब क्या होगा को देख लेगा, तो इस वजह से इन्होंने नहीं आना है ना, वो मुझसे ही बोल ले कर बंद कर ले, इसी जगह पड़ी रहती है, हर ब्लॉग का लास्ट होता है, आप देख तो इसी कोने पर ही रहना है इसमें। तो कहाँ जाऊँ, कहाँ जाऊँ, और इसने कुछ नहीं करना है, ये तो लड़की है ही, इसे यहाँ पे ना हमारे रूम में सारा चूहा मर चुका है, अब वो पता नहीं कहाँ मरा है, तो उसकी स्मेल इतनी गंदी आ रही है हमारे घर में, अभी ये अब मुझे गुस्सा करने वाली कि तूने ब्लॉग में क्यों बताया कि हमारे घर पे चूहा मरी। अरे भैया किसी के भी घर पे चूहा मर सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, इसके घर पे चूल्हे के अंदर चूहा मर गया था, तो आपको मैं इससे पहली बार आप लोगों ने इसे मेरे ब्लॉग में देखा होगा। तो ये मेरी कज़न, मेरी बुआ, मेरी सबसे छोटी बुआ की बेटी साक्षी चौहान फ्रॉम आगरा, ये आगरा से आई है, जैसे कि हमारे घर में शादी सबको पता है, तो उसी शादी को ज्वाइन करने आई है, और सेलिब्रेट करेंगे, मज़े लेंगे शादी में। सो अब बाय, गुड नाइट, टेक केयर, क्यों मेरी तरह गुड नाइट हो रही है, आप पता नहीं कभी ब्लॉग देखे, सो बाय बाय, थैंक यू सो मच जिसने ये ब्लॉग पूरा देखा हो, एंड लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, बाय बाय, अपना एंड अपनी फैमिली का बहुत बहुत ख्याल रखें, बाय।